प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के सामने किसी प्रकार की समस्या ना आए, वह अपने शहर में रहते हुए ही निःशुल्क अच्छी कोचिंग पा सकें, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जनपद मुरादाबाद के प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हो रही है, जिसके तहत मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में IAS, IPS, PCS, NDA, CDS, NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा सके। योजना सही प्रकार चल रही है या नहीं, इसको लेकर आज मुरादाबाद कमिश्नर व IG हिंदू कॉलेज पहुँचे और कोचिंग का संचालन होते हुए देखा और मंच से छात्रों को संबोधित कर उच्च शिखर तक पहुंचने के टिप्स दिए। इस दौरान UPSC प्रतियोगी छात्रा काजल सिंह का कहना था कि अब पैसों के अभाव में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं पिछड़ेगा, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी योजना के माध्यम से तमाम लोगों को निःशुल्क कोचिंग मिल रही है। काजल का मानना है कि सरकार की इस योजना से बच्चों को सीधे तौर पर फायदा होगा, जो पैसे न होने के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इस योजना से छात्र छात्राओं के हौसले में नई उड़ान मिलेगी। मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर ने अपने संबोधन में कहा कि महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को निःशुल्क साक्षात ऑनलाइन परीक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना में और विस्तार किया जाएगा तथा इसको और अधिक उपयोगी बनाए जाने हेतु अधिकारीगण भी प्रतियोगी छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण अधिकारी SK राय के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना के द्वितीय सत्र 2021-22 जो आज से आरंभ हुआ है, जिसमें मुरादाबाद में दो जगह क्लासेस चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से फायदा छात्र छात्राओं को हो रहा है। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, उसके इस वर्ष का द्वितीय सत्र कह लीजिए इसको, 21-22 का आज से प्रारंभ हुआ। इसमें दो सेंटर पर मुरादाबाद में क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये हिंदू PG कॉलेज है, यहाँ IAS और PCS से संबंधित कोचिंग चलाई जा रही है। इसी के साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक काठ रोड पर JEE, NDA, CDS और NEET क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसमें मुरादाबाद में दो सेंटर चल रहे हैं, IAS PCS की कोचिंग हिंदू PG कॉलेज में, और जो JEE, NEET और NDA, CDS की क्लासेज हैं वो गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक में चल रहे हैं। इनका यहाँ ये आज के 1.5 महीने पहले बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था पूरे प्रदेश के, और ऑनलाइन इनकी परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा, और परीक्षा के आधार पर जो लोग चयनित हुए थे उनकी सूची हम लोगों को लखनऊ से प्राप्त हुई थी। ये एग्ज़ाम UPAM कंडक्ट करा था, जहाँ ISPCS के ट्रेनिंग सेंटर जो है लखनऊ में है UPAM, उसके द्वारा ये परीक्षा कराई गई और उन्होंने ही चयन करके सूची मंडलवार जनपदवार भेजा। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय आयुक्त महोदय श्री अंजनी कुमार सिंह जी द्वारा किया गया, और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में DIG सर श्री सलम माथुर साहब भी उपस्थित थे। आयुक्त महोदय ने मुख्यतः यह निर्देश दिया कि गत वर्ष जो था थोड़ा जल्दबाजी में कक्षाएँ प्रारंभ हुई थी और उतना बेहतर हम लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो हम लोगों की कोशिश ये होगी कि इन सबों को पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराएं, और सबसे पहले छात्रों का असेसमेंट कर लिया जाए और असेसमेंट के हिसाब से उनको टीचिंग कराई जाए, बुक्स अवेलेबल कराई जाए, लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और अच्छी से अच्छी फैकल्टी को इंगेज करते हुए इन्हें बेहतर कोचिंग देने का प्रयास करें। नहीं, अभी तो चूंकि पहले तो प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन होगा ना, तो ये प्री का चल रहा है, फिर मेंस के लिए अलग से चलेगा। जो लड़के प्री क्वालिफाई करेंगे मेंस का अलग बैच चलेगा, अभी ये जनरल चल रहा है प्री के लिए। फिर जब प्री का रिजल्ट 453 बच्चों की लिस्ट आई है मुरादाबाद जनपद की, अगर हम बात करें, वैसे तो कुल 1153 है मुरादाबाद डिवीज़न के, बट मुरादाबाद जनपद की बात करें तो 453 लड़के UPSC के लिए सेलेक्ट होकर लखनऊ से लिस्ट मिली है। तो हम लोगों के पास कक्षाएँ हैं, हम लोग यहाँ पे 3-4 कक्षाओं में उनका सेक्शन वाइज करके संचालित करते हैं। पिछले साल भी जब छात्र संख्या अधिक थी तो कई संजना प्रजापति
मैं इस टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लिया और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है मेरा। और बाकी कोचिंग वगैरह यहाँ की अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी है कोचिंग, और सर भी अच्छे हैं यहाँ पे, सब अच्छे से पढ़ाते हैं। और यहाँ पे आईएएस पीसीएस सर आते रहते हैं, अभी मैम भी आई थी पीसीएस, और काफ़ी अच्छा है सब कुछ। अभी तो शुरू में तो काफ़ी आते हैं, लास्ट में ही सब वो हो जाते हैं, ऐसे होते हैं 20-25 हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाते। मैंने पहले भी किया है यहीं से कोचिंग, सब अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं सर। सर ने दिया है कि एक ही जगह फोकस करना है और ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है, अपनी तरफ ही ध्यान रखना है। देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो विद्यार्थी हमारे जो इनेबल्ड जो बच्चे हैं, यानी जो डिफरेंट कोर्सेज में जो एलिजिबिलिटी है उस लेवल को पार कर चुके हैं, जैसे जो ग्रेजुएशन के लेवल का है, ग्रेजुएशन के लेवल का, जो 12वीं के लेवल का, उसमें सिविल्स की, नीट की और जो वन डेयर्स है, उन सारी चीज़ों की निःशुल्क कोचिंग होती है, तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ मुरादाबाद में अलग अलग जगहों पे बनाई गई है। ये व्यवस्था अभी तक मंडल स्तर पर चलती आ रही थी, अभी भी हम मंडल स्तर पर चला रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही ये जनपदों में जाएगी और जनपद स्तर पर भी इसका बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर जनपद स्तर पर भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारे जो बच्चे मेधावी हैं, किसी भी वजह से वो इतना सक्षम नहीं है कि वो बाहर जाकर कोचिंग कर सकें, कोई ना कोई बाध्यता है, उनको हम यहीं पर उनके समीप ही ऐसी व्यवस्था दे सकें जिससे वो कॉम्पिटिशन्स में बेहतर कर सकें और आगे वो एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। उसी की आज हमने शुरुआत की है और आगे जैसा जितनी तेज शीघ्र व्यवस्था हो जाएगी जनपद स्तर पर, इन सारे विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर भी व्यवस्था मुहैया करा देंगे। इसके पहले के बहुत उत्साही परिणाम रहे हैं जो पिछले बैचेज रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे हम भी उस व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की का प्रयास भी किया जा रहा है, सरकार भी पूरा सपोर्ट कर रही है, इसमें जो जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करते जा रहे हैं। तो आगे उम्मीद है कि चूंकि ये पिछले साल ही शुरुआत हुई थी और कोरोना पीरियड भी था, आगे हम और बेहतर करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूँगा, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेहतर मुकाम हासिल करें। किस तरह का मैसेज देना चाहिए तमाम छात्र यहाँ पर दे रहे जो छात्र हैं, किस तरह का मैसेज? जो छात्र एलिजिबल हैं जिस भी चीज़ के लिए और उनकी आकांक्षा है कि वो तैयारी करें, उनका स्वागत है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद उनको उनका मंडल या जनपद अलाट होता है, इसमें अवश्य भागीदारी करें। हम हमेशा उनके लिए बेहतर प्रयास ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ